Assalamu alaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील. स्टूडेंट्स, हम डी ए सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग चैप्टर नंबर 2 कंपास ट्रेवर्सिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल 2.11 यानी 2.11 है. Find interior angle of the following lines from given bearings. दिए गए जो मतलब lines की bearings है, इसे हमने अंदरूनी जाविया जो है मालूम करना है. और ये table हमें जो है ना, ये line, ये paragraph की शक्ल में मतलब question मिलेगा. और ये बहुत सारे parts हैं इसके, तो हमने यहाँ पर पहले इनको जो है ना इस तरह arrange करते हुए एक को serial number बना देना है. A, B, A, C जो है ये हमारी lines हैं, और ये जो साथ दी गई है ये हमारी बेरिंग है. और हमने यहाँ पर जो है वो इंटीरियर एंगल निकालना है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका इंटीरियर एंगल किसके हिसाब से बनेगा, ए के हिसाब से बनेगा ना. तो इसका एंगल हमने जो है वो ए फाइंड करना है. यानी आप समझ लें कि एक लाइन है ए बी, ये ए है, ठीक है, ये बी है. ए से ही दूसरी लाइन एक ए सी भी है. तो ये वाला एंगल जो होता है ना इंटीरियर एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, ये एंगल ए है. हमने यहाँ पर जो है वो इसका इंटीरियर जिसे कहते हैं एंगल, एंगल फाइंड करना है. एंगल कैसे निकलता है, याद रखिएगा कि एंगल निकालने के लिए दोनों बेरिंग्स का डिफरेंस लेते हैं. और एंगल निकालने के लिए दोनों बेरिंग में सबसे बड़ी बेरिंग को पहले लिखा जाता है. सबसे बड़ी बेरिंग किसकी है, लाइन ए सी की बेरिंग सबसे बड़ी है. और लाइन ए सी की बेरिंग में से हम माइनस करेंगे लाइन ए बी की बेरिंग को, ठीक है, 45 degree 30 minute. अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपके साथ जो है वो कैलकुलेटर यहाँ पे शो करता हूँ. तो देखते हैं जी कैलकुलेटर कहाँ पे आता है, ये आ गया. इसको एक साइड पे कर लेते हैं, कैलकुलेटर को हम इसी साइड पर रहने देते हैं. चले यहाँ पर रहने देते हैं क्योंकि सीरियल नंबर्स की ज़रूरत नहीं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर तो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया. तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. तो अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ लिखनी है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे बड़ी वैल्यू हम पहले लिखते होते हैं. तो ये आ जाएगी 105 degree and 30 minute. सही है, इसमें माइनस कर देंगे हम 45 डिग्री और 30 मिनट को. तो ये हमारे पास आती है 60 डिग्री. इसका एंगल जो है ए बी का, सॉरी सिर्फ एंगल ए जो है वो हमारा 60 डिग्री बन रहा है. और साथ 0 मिनट है, क्योंकि ये भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि आगे 0 मिनट सेकंड वगैरह भी कुछ आएंगे. सेकंड तो नहीं आएंगे, मिनट जरूर आएंगे. लाइन ए बी के बाद आप ये पहला पॉइंट हमारा मुकम्मल हो चुका है. इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप देखें कि इसमें भी लाइन ए बी और ए सी के दरमियान में एंगल ए ही बनता है. ए ही दो बार रिपीट भी हो रहा है. ये भी एक छोटा सा इसकी आइडेंटिफिकेशन, बड़े एंगल में से हमने छोटा एंगल माइनस करना होता है. और बड़ा एंगल कितना है, 205 डिग्री. यानी बेरिंग जो है, ये एंगल नहीं है, ये बेरिंग्स हैं. तो बड़ी रीडिंग जो है बेरिंग की वो लाइन ए सी पे है 205. इसमें हम माइनस कर देंगे 110 degree 15 minute की बेरिंग. सही है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके इस पॉइंट को भी सोल्व आउट कर लेते हैं. तो ये चीज़ देखनी है आपने कि सबसे पहली बात तो जिसकी बेरिंग की वैल्यू सबसे बड़ी होगी हम सबसे पहले उसको रखेंगे, ठीक है. नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं बनाने वाले, तो इसलिए ये आपने देखना है. ये 95 डिग्री बन रही है हमारी, ये दूसरे पॉइंट वाले की, ठीक है ना. जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी बेरिंग आती है, आ रही है बल्कि 95 degree 0 minute. अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपने देखा जो 180 से छोटा था, 180 से बड़ा कुछ भी नहीं हुआ. हमने देखा ये इनकी बेरिंग्स 180 से कम है, इसका मतलब है ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना. ये इंटीरियर है यानी अंदरूनी जाविये है. अगर इसकी रीडिंग 180 से ज्यादा हो जाएगी तो वो आपका एक्सटीरियर यानी बैरूनी जाविया होगा, और हमें वो नहीं चाहिए. अब इसी तरह से तीसरे पॉइंट में देखें, तीसरा जो क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चन तो हो चुके, तीसरे क्वेश्चन में लाइन ए बी ए सी, यहाँ पर आप देख लें कि एंगल ए निकालना है. अभी आपने बेरिंग देखी, सबसे बड़ी यानी बेरिंग है लाइन ए सी की, इसकी बेरिंग है 310 degree 30 minute. 310 degree 30 minute, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है 35 degree और 30 मिनट को. तो ये हमारे पास कितनी बेरिंग आती है आप भी देखिएगा. ये हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि 310 डिग्री, सॉरी
मैं दोबारा लिखता हूँ, 310 डिग्री एंड 30 मिनट, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 35 डिग्री और 30 मिनट को। अब यहाँ देख सकते हैं कि बेरिंग तो 270 डिग्री आ रही है, तो ये इंटीरियर नहीं है, 270 डिग्री एंड 0 मिनट। अब जैसा कि ये वाला एंगल जो अभी हमें मिला है ये एक्सटीरियर एंगल है, हमें इंटीरियर चाहिए है। अब क्या करेंगे, इसके लिए आसान सा तरीका है, ठीक है, ऐसे केस में जहां पर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाए, हम इसको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो हमारा इंटीरियर होगा। मतलब अगर मैं लिखता हूँ 360 डिग्री और मैं माइनस करके प्रीवियस वैल्यू आंसर को लिखता हूँ तो 85 डिग्री जो है वो मेरे पास आ जाएगा। इसका कौन सा एंगल मिलेगा आप, ये 85 डिग्री और 0 मिनट, ये मेरा इंटीरियर एंगल है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं इस फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड भी मुकम्मल हो गए तो फोर्थ में आप देख सकते हैं कि मेरा जो एंगल है वो 355 डिग्री एंड 45 मिनट है। ये मतलब जो बेरिंग है ना ये बड़ी वैल्यू है, लाइन एसी की हमेशा ये आ रही है, ठीक है। और दूसरी बेरिंग जो है वो 105 डिग्री 45 मिनट, इनका भी डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 355 डिग्री 45 मिनट और इसमें माइनस किया 5 डिग्री को और 45 मिनट को। ये बेरिंग हमें ये भी देख लें कि 180 से ज्यादा बेरिंग दे रहा है, 250 डिग्री दे रहा है, यहाँ पे बेरिंग आ रही है 250 डिग्री 0 मिनट। हालांकि हमें चाहिए है इंटीरियर, ये एक्सटीरियर है, तो हम यहाँ पर 250 जो है ना इसको 360 में से माइनस करके लिखना है ना, तो होल सर्कल में से हम अंदर की जाने, बाकी दूसरी साइड वाला देखना है हमने, ये बाहर के अंदर की तरफ देखना है, तो 250 डिग्री हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब देखते हैं कि ये बेरिंग कितनी दे रहा है हमें, हम इसमें से माइनस करते हैं, मतलब इस तरह नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री माइनस करके आंसर कर देंगे जो पहली वाली 110 डिग्री 110 डिग्री और 0 मिनट, ये हमारे पास इसकी इंटीरियर वैल्यू आ जाएगी और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। बात को सुन लीजिएगा, जो भी आपने देखा इसमें चार तरह के पार्ट के क्वेश्चन है, ये चारों एक ही, अगर आप एक कर सकते हैं तो आप बाकी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का असल में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि दो लाइंस की बेरिंग्स दी गई हैं और इनका इंटीरियर एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका नोट सुन लीजिएगा कि अगर दो लाइंस आपको दी जाए और इसका इंटीरियर एंगल यानी अंदरूनी जाविया निकालना हो तो आप देख सकते हैं कि उसमें हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को तफरीक करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो फर्क निकल आएगा जब तफरीक कर लेंगे तो जो बेरिंग हमारे पास जो भी होगा वो एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा वो एंगल 180 से बड़ा है तो वो हमारा इंटीरियर यानी अंदरूनी जाविया नहीं बल्कि बैरूनी जाविया कहलाएगा, उस केस में हमें इसको 360 डिग्री में से माइनस करना है। लेकिन अगर डिफरेंस करके हमारी वैल्यू 180 से बिलो ही आती है, छोटी आती है, तो इट मीन के वो हमारा अंदरूनी यानी इंटीरियर एंगल ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।